अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बाबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों को बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपके इलाके में, आपके एरिया में अगर कोई भी मसला है, आप कोई भी शिकायत रखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आपको जो आप चाहते हैं कि सरकार के नाम हो, तो आप हमारी टीम बनाम सरकार से रब्ता ज़रूर कीजिए। हम आपके मसले पर बात भी करेंगे और उसका हल भी इंशाल्लाह निकाल कर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ख़वातीन हज़रात, स्पोर्ट्स की बात करते हैं और आप जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ हफ़्तों से टीम बनाम सरकार स्पोर्ट्स के ऊपर भी, इस पर भी काम कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सेक्शन है, ये जो सेगमेंट है, ये जो टॉपिक है, इस पर भी भरपूर बात हो सके। क्योंकि आपने देखा है अरशद नदीम ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने एक तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया, गोल्ड मेडल लेकर आए, एक ऐसी मिसाल बना दी अरशद नदीम को वर्ल्ड वाइड के। अब वो इंस्पिरेशन बन चुके हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन की, ठीक है, जो स्पोर्ट्स के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उन लोगों से। अब जैसा कि अब और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अगर आप हमज़ा खान की बात करें जो कि स्कॉश चैम्पियन हैं, इसके अलावा आप मोहम्मद आसिफ स्नूकर चैम्पियन हैं, असामुल हक टेनिस चैम्पियन हैं, ठीक है, उसके बाद आप और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर आप आमिर खान की बात करें तो बॉक्सिंग चैम्पियन हैं, ठीक है, और इस तरह के और बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका नाम कहीं सर फहरिस्त नज़र नहीं आता, ठीक है। अब असामुल हक भी एक वक्त आया था, वो आए जब चैम्पियन बने तो पता चला भाई ये भी पाकिस्तानी स्टार है, ठीक है। उससे पहले कोई प्रमोशन नहीं थी, उससे पहले उनकी कोई कैंपेन नहीं थी, हमें पता ही नहीं था भाई कि टेनिस प्लेयर भी हमारे पाकिस्तान का कोई सुपरस्टार है। वो चैम्पियन हुए, पता चला होगा ये असामुल हक भी कोई बंदा है। इसी तरीके से जब अरशद नदीम अपने जावलिन के लिए पैसे इकट्ठे करते रहे, हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया, उनकी जो स्ट्रगल थी, उनकी जो मेहनत थी, वो सब ने उस स्टोरी को देखा भी है, सुना भी है, और अब जितना वो स्टोरी ओपन हो चुकी है सभी उनके बारे में बखूबी जानते हैं कि चैम्पियन बनने से पहले वो किन हालात से दो चार थे और चैम्पियन बनने के बाद अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है कि उनकी मेहनत को एक्नॉलेज किया गया और अब उनको हर तरफ से सपोर्ट मिली है, ठीक है, और उनकी मेहनत को सराहा गया है। और उनको अगर फाइनेंशली हमारी गवर्नमेंट ने, इदारों ने, ब्रांड्स ने अगर उन्हें एक्सेप्ट किया है तो वो डिज़र्व करते हैं। बट सिर्फ अरशद नदीम ही नहीं, ये जितने भी मैंने नाम लिए और इस तरह के और बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के अंदर कि जो डिज़र्व करते हैं कि उनको बाकायदा लोगों के सामने लाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको एक्नॉलेज किया जाए, ठीक है, और उनको माना जाए, उनकी सलाहियत को माना जाए, दुनिया को दिखाया जाए, लेकिन उन पर काम नहीं हो रहा। ख़वातीन इस वक्त हम मौजूद हैं अल्फत स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, जो कि आप जानते हैं कि डी में मौजूद है, डी ग्राउंड में मौजूद है। और सबसे पहले मैं आपको इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से वसाइल हैं जिसकी कमी है, क्यों अदर जो गेम्स हैं उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। और अगर आपके पास एक अच्छी मिसाल बन गई है तो वाई नॉट अदर प्लेयर्स ऑफ द गेम्स, मतलब दूसरी गेम्स के प्लेयर्स को भी अब क्यों नहीं आगे आप प्रमोट कर रहे हैं, क्या उसके पीछे अभी भी हर्डल आ रही है, उस पर बात करेंगे। फिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में क्योंकि दीगर स्पोर्ट्स गेम्स होती हैं तो जो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर इस स्पोर्ट्स क्लब में आते हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आते हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं या वाकई में दे वॉन्ट टू बी अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैन, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, अल्फात स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से रिलेटेड जो भी अहदेदारान हैं जो इसकी बागडोर संभाल रहे हैं, ठीक है, उनसे भी हम मुलाकात करें और उन अफसरान से मिलें और फिर ये इश्यूज़ हम उनके सामने रखें, ये बात उनके सामने रखें और उन बातों के जवाब आप तक पहुँचाए। तो हमारे साथ रहिए, देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं बैडमिंटन कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ। एज़ यू कैन सी के प्लेयर्स आर प्लेइंग देयर गेम और बड़ा जोश व खरोश के साथ यहाँ पर प्लेयर्स जो हैं वो अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, गेम भी कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि प्लेयर्स से मुलाकात करें, बात करें और कितना वो खुश हैं, कितना वो आगे आने वाले वक्त में स्कोप देखते हैं बैडमिंटन की गेम को लेके और गवर्नमेंट से क्या क्या डिमांड है और इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से बेसिकली क्या क्या डिमांड है उनकी, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्लेयर्स हमने मधु की इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आप? मेरा नाम अली अशरफ। अली भाई क्या करते हैं? मैं बिजनेस, प्राइवेट बिजनेसमैन हूँ। चल, कारोबारी आदमी है। तो ये आपका शौक है या आप ज़रा अपने आप को जो ना वार्म अप रखने के लिए गेम खेलते हैं? हाँ जी, एक्सरसाइज के लिए खेलते हैं, वार्म अप के लिए, तो फिटनेस के लिए। तो ये रूटीन आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 साल से खेल रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रेगुलर ही खेल रहे हैं। 20 साल से आप रेगुलर खेल रहे हैं। तो बस आपने फिटनेस के तौर पर इस गेम को रखा है, कभी आगे नहीं बढ़े, सोचा नहीं कि यार आगे भी जाएं और थोड़ा नेशनल लेवल तक पहुँचे? नेशनल लेवल की जो गेम थी ना वो टाइम है 20 से 25 साल, तो हम वो पहले टाइम गुजार चुके हैं, यानी आप उस एज से आगे आ गए। आपने समझ लिया कि भाई मैं 25 साल का नहीं हूँ। हाँ, अब मैं आगे आ गया हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम गेम कर रहे हैं फिटनेस के लिए। आपको पता है कि जो माशरे में जितनी बुरी आदत हैं आप नशा जितना भी है वो सभी के लिए नुकसानदेह है। तो बच्चे इसके अंदर आएंगे, उनको प्रमोट होगी, सेहत ठीक रहेगी, उनके लिए गेम के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो बहुत हेल्दी एक्टिविटी, देयर इज नो डाउट। स्पोर्ट्स से बढ़कर कुछ नहीं है किसी भी जनरेशन के किसी भी बच्चे के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये हम अल्फतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हैं, अभी ओवरऑल जो मुझे सूरत हाल यहाँ पर नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है कि शायद ध्यान नहीं है उस तरह से जिस तरह से बिल्डिंग की जो सूरत हाल नज़र आ रही है। मुझे थोड़ा आप फैसिलिटेशंस के बारे में बताएं, क्योंकि बीइंग अ मेंबर अगर आप मंथली एक मेंबरशिप पे करते हैं तो एटलीस्ट आप कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं क्या, कम से कम आप वहाँ पर जाएं तो ये चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। तो मुझे बताएं क्या अभी तक जो सहूलियत है यहाँ पर वो मुयसर पूरी है? नहीं, सहूलियत तो तकरीबन थोड़ा बहुत फुकदान है, मगर गवर्नमेंट को ना थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। मगर जो अभी तो विंटर है, मौसम बेहतरीन है, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आ रही है। हाँ, जब समर में होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ खेलने में। तो इसके लिए बेहतरीन है कि यहाँ वेदर बेहद अच्छा होना चाहिए, इंतजामिया बेहतरीन है, वो अच्छा काम कर रही है। मगर डी स्पोर्ट्स कुछ काम जो रहती हैं वो कर दें, इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगे। आपको आइडेंटिफाई कर देना काम, कम से कम उन तक ये बात तो पहुँचे कि कौन कौन से काम है। अच्छा जैसे मैं अंदर आया हूँ, मुझे पानी पीने की जो सहूलत है वो कोई ख़ास नज़र नहीं आई मुझे, ठीक है, और मुझे जो वॉशरूम्स हैं उनकी भी जो सूरत हाल है वो कोई ख़ास अभी नज़र नहीं आई मुझे। नहीं तकरीबन ठीक है, आम आप डाउट फैसलाबाद में ये 4-5 कम्प्लेक्स हैं, उनसे सबसे बेहतर हालत में यही है, ये भी बेहतर हालत में है। हाँ, बेहतर हालत में है। बस इसमें ये सब कोड का प्रॉब्लम है, जो वुडिंग है ना ये वाली, इसका प्रॉब्लम है, ये अक्सर प्रॉब्लम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा ये तो फिर इस पे तो कहीं ना कहीं शूज़ भी अटकते होंगे और प्लेयर गिर भी जाते होंगे। प्लेयर के गिरने का भी खतरा, गिरते भी हैं, और बस का थोड़ा बहुत ही मरम्मत होती है, उसके बाद साथ साथ चली जाती है। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से क्रिकेट हमारा सबसे एक्सपेंसिव और सबसे फेमस गेम है पाकिस्तान में भी, भले हमारी गेम नहीं है, और हॉकी हमारा नेशनल गेम है, और हॉकी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो कभी देखा हमने, हमें पता भी नहीं कि आजकल के जो हमारे रिसेंट नेशनल प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि प्रमोट नहीं किया जाता। अब देखिए ओलंपिक्स हुआ, अरशद नदीम आए, जैवलिन विन किया, गोल्ड लेकर आए, पूरी दुनिया में पता चल गया, और अरशद नदीम को पाकिस्तान ने मिसाल बना दी कि ये हमारा सुपरस्टार है। हम ये चाहते हैं कि वाई नॉट अदर गेम्स, देखिए ना बैडमिंटन है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, फिर कराटे है और स्क्वाश है, आई मीन देयर आर सो मेनी अदर गेम्स। तो उन प्लेयर्स को और उन गेम्स को उस तरह से क्यों नहीं सामने लेके आया जा रहा, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये गेम बहुत ना कॉस्टली है, तो दूसरी गेम इतनी कॉस्टली नहीं है, तकरीबन बहुत कॉस्टली गेम है, तो इसलिए मेरिट का बहुत फुकदान है, पाकिस्तान में मेरिट बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा मुझे कॉस्ट की जहाँ पे आपने बात की है कि ये गेम कॉस्टली है, मुझे बताएं ये जो रैकेट है और जो शटल है ये अब आजकल, क्योंकि पहले शायद रेट्स और थे, अब तो रेट्स बढ़ गए हैं, तो जो अच्छी क्वालिटी की और अच्छी ब्रांड की जो चीज़ होती है वो उसमें मतलब प्राइस में कितना को फ़र्क है और कितने की चीज़ आ जाती है? डॉलर की वजह से तो बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले ये शटर का डब्बा था 3500-3600 का, अब ये 5000 में पहुंच गया है। रैकेट 15000 में 20,000 में मिल जाता था, ये 35-40,000 में पहुंच गया है, और खेलने को तो ये 1000 रुपये में भी मिल जाता है। हाँ, खेलने में इसके मेरिट है, ये मामला था। ठीक है, ठीक है। तो ये जो अब शटल जो अब प्रोफेशनली गेम के लिए या एक्सरसाइज के लिए या प्रैक्टिस के लिए यूज़ होती है, ये वही सेम स्टैंडर्ड होता है कि जो आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जब पे भी जाकर खेलें तो यही आपको शटल का स्टैंडर्ड मिलता है, और जो प्रैक्टिस के लिए आप रैकेट यूज़ करते हैं ये भी सेम स्टैंडर्ड के होते हैं? वो तो एक ये कॉपी आती है पाकिस्तान में ज़्यादा, रैकेट की कॉपी आती है, कोई रीजनल मिल जाता किसी से, अदरवाइज जो मेरिट है ना वो बहुत हाई, इसका वो तो बहुत कॉस्टली है, वो तो लाख रुपये का ऊपर रैकेट है। तो यहाँ के जो नेशनल प्लेयर्स हैं जो इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करते हैं और जाकर नेशनल के लिए खेलते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस के यहाँ पर मामला कैसे हैं? आई मीन उनकी रूटीन में यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही होती है? बहुत अलहमदिल्ला वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उसमें अवैस जहाद है, मुकीत है, काफ़ी लोग अच्छे खेलने वाले हैं, मगर वो नेशनल खेलने लाहौर गए हुए हैं, वो 4 से 6 खेलते हैं। ठीक हो गया, चल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी मैं कहूँगा मेरे कैमरामैन जो हैं वो इधर आएँ और मैं थोड़ा सा इस फ्लोर की सूरत हाल दिखाऊँ कि ये जो फ्लोर है ये बीच बीच में से आप आइए, बल्कि आइडेंटिफाई भी कीजिए, जैसे ये है ना यहाँ पर। हाँ जी, ये यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है, ये अटकने वाला एरिया है, और स्पेस आगे भी नीचे बैठता है ये। अच्छा फिर थोड़ा सा अमन उसके अंदर थोड़ा बम्प तो आई गेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ये सपोर्ट करता है आपके जंप के लिए, बेहतर है। और जिस तरह से अब ये बीच में दरारें आ गई हैं, क्योंकि ये सारा लकड़ी और वुडन है, ठीक है, वुडी है, तो बीच में दरारें भी हैं, बीच में से टूटा भी है, तो इसको रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इसके साथ साथ ना इसका रिपेयर में हो जाती है, ये पीसेज थी। हाँ जी, आ जाए सर, ज़रा आएँ दिखाएं ज़रा। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखें जैसे ये जो फ्लोर है इसके अंदर दरारें आ गई हुई हैं, ये यहाँ से ये वाला हिस्सा भी जो है ये टूटा हुआ है, और इसी तरीके से अगर आप आगे भी आएँ तो तकरीबन सारे फ्लोर में ही आपको गैप्स और जो ब्रेकेज है वो महसूस होगी। यहाँ भी इसी तरीके से है, और ओवरऑल पूरे फ्लोर के अंदर ब्रेकेज है, और प्लेयर्स का यही कहना है कि एटलीस्ट थोड़ा फ्लोर को बेहतर कर दिया जाए। इंतज़ामिया जो अल्फात स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की है, अगर वो थोड़ा इसके फ्लोर पे तवज्जो दे दे। और थोड़ी बहुत मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, आप इधर आएँ। मैं पानी की बात कर रहा था, तो ये पानी पीने का इंतज़ाम जो है यहाँ पर किया गया है। एक प्रॉपर एक पानी का प्लांट होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा देसी सिस्टम किया गया है और उसमें तब्दील किया गया है। एज़ यू कैन सी कि ये पानी पीने का निज़ाम कि कोई देसी फ्रिज है जो आपके सामने, ठीक है। तो इस तरह से लोगों को यहाँ पर पानी पीने के लिए दिया गया है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर काम होने वाला है। सो आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। इट्स एन ऑनर फॉर अस कि हम जिस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खड़े हैं और जिसके नाम पर ये मंसूब है, वो सर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, फ़तेहुल्लाह साहब। इनके नाम पर ये अल्फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मंसूब है और इट्स एन ऑनर फॉर अस फॉर एवरीवन कि ये खुद बजाते खुद यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी निगरानी में यहाँ पर कोचिंग भी कर रहे हैं और अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे 2 मिनट हमारे लिए जो है वो बहुत ऑनरेबल की बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर 2016 में आपने माशाल्लाह गोल्ड मेडल लिया, ठीक है, और उसके बाद से अब तक आप अपने फ़राइज़ जो है वो एज ए कोच सर अंजाम दे रहे हैं। कहाँ देखते हैं बैडमिंटन को आने वाले वक्त में और कौन कौन से दौर देखे आपने? मैंने पुराने दौर देखे। मैं 73 गवर्नमेंट कॉलेज, 75 गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर 88 पंजाब, उसके बाद आगे चलता रहा। और फिर मैंने वो मीडिया के लिए भी खेला है, तो फैसलाबाद प्रेस क्लब की नुमाइंदगी की है 2014 में, 16 में, तो मैंने गोल्ड मेडल लिया पंजाब में। पूरा आदमी था मैं, आहिस्ता आहिस्ता वो, क्योंकि दोस्त उन्होंने कहा जी आपने ज़रूर जाना है। इस इधर की सूरत हाल ये है कि मेरे तस्वर में ये बात है कि बच्चों के लिए बहुत ही थोड़ी जगह है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही थोड़ी गुंजाइश है। लोग टाइम भी नहीं देते और पे भी नहीं कर सकते और बच्चों के लिए मसाइल हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं। तो मेरा ये तसव्वुर है कि जब तक मेरे में हिम्मत है तो मैंने बच्चों को घर से घसीटना भी है, फ़ोन भी करना, लेके भी आना, सिखाना भी है, चलाना भी है। दो ही बातें हैं, या ये ग्राउंड आबाद रहेगी या हस्पतालों में रश हो जाएगा। एक ही बात रहनी है ना। अल्लाह के फजल से आप ये देख लें कि मैंने अभी तक तकरीबन 100 से ज़्यादा प्लेयरों को खिलाया है, ट्रेन किया। अगर प्लेयर अच्छा नहीं भी बना, पाकिस्तान में नहीं भी गया, तो उसने फिर हॉस्पिटल की तरफ रुख नहीं किया, वो गेम को मुतवातर करता रहा अपने लिए, अहबाब के लिए। तो ये है कि ये एक बड़ी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकाल ले इस तरह के माहौल में, जिसे कहते हैं ना। मेरा तसव्वुर है कि ये हमारा जो माहौल बन गया है, ये कोई ऐसा था जैसे जहर का माहौल है। हर जगह जहर घुली हुई है, लोगों के माइंड भी, फ्रस्ट्रेशन बड़ी है, स्ट्रेस बड़ा है, तो उसके लिए ये बड़ी सर बेहतरीन मशगला है और ये बेहतरीन काम है। बजाय इसके कि आप मोबाइल पे, फ़ोन पे और इधर उधर टाइम वेस्ट करने से, ये सबसे ज़बरदस्त और हेल्दी एक्टिविटी है, देयर इज़ नो डाउट। अच्छा सर मुझे ये बताइए, अब जैसे कि मैं आया हूँ तो हमें आज पता चला है कि इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जो टीम है वो नेशनल खेलने लाहौर गई हुई है, ठीक है, ये अभी हमारे सुनने में है। तो हमें ये न्यूज़ नहीं पता, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, किसी चैनल पे कोई खबर नहीं है कि फैसलाबाद के प्लेयर्स नेशनल के लिए लाहौर पहुंचे हुए, नेशनल गेम हो रही है, किसी को नहीं पता। क्या कहेंगे इस हवाले से? बच्चे 2-4 दिन पहले ताइक्वांडो भी खेल के आए हैं और पंजाब में सेमीफाइनलिस्ट हैं फैसलाबाद, लेकिन उनकी खबर ही नहीं है, मीडिया को पता भी नहीं है कि गए या नहीं गए। सर एसोसिएशन का लगता है आपको? देखें जो एसोसिएशन हैं, ठीक है, कराटे एसोसिएशन है या टेबल टेनिस या बैडमिंटन एसोसिएशन है, जो इनके लोग हैं, ये क्या इंटरेक्शन नहीं करते मीडिया के साथ या कोई प्रेस रिलीज़ नहीं निकालते या इस बारे में सोचते ही नहीं है कि बस जो चल रहा है चलते रहो, क्या फ़ायदा इनको प्रमोट करके इनको मशहूर करने का? सर तलख बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली ये नुमाइंदा तंजीमें नहीं हैं। गेम की बर्बादी, इंटरेक्शन ना होना, बच्चों का कम खेलना और बच्चों का अपनी गिनती में बहुत थोड़ा होना मैदानों में, ये इस वजह से है कि ये सारी तंजीमें नुमाइंदा तंजीमें नहीं हैं। ये सिर्फ वोट देने के लिए जाएंगे और अपने मामला को देखेंगे। मैं शिकवा शिकायत नहीं कर रहा, आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप खुद चले जाएँ, DCO साहब हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं, उनसे पूछें कि बैडमिंटन वालों की या बाकी एसोसिएशनों की पिछले 10 साल की कारकर्दगी क्या है। अगर आपने पिछले 10 साल में एक टूर्नामेंट भी नहीं कराया, एक कैंप भी नहीं लगाया, तो आप बैठे काहे के लिए हैं? ये वो बात है। अगर कुछ करेंगे तो सामने आएंगे, करेंगे तो मीडिया देगा ना, कुछ करते भी नहीं है। तो सर ये बहुत बड़ा अलमिया है और इसी वजह से हम, क्योंकि टीम बनाम सरकार ने ये अहद किया है कि हम स्पेशली जो हमारे ये प्लेयर्स टेबल टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, बाकी जो गेम्स हैं, इनके जो प्लेयर्स हैं इनके नाम लोगों के सामने लाएं। मुझे आप काइंडली कुछ नाम ज़रूर बताइए वो प्लेयर्स जो यहाँ पर नेशनल के लिए प्रैक्टिस करते हैं और नेशनल खेलने के लिए लाहौर पहुँचे हुए, एटलीस्ट हम इतना तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ नाम हमें ज़रूर बताएँ। इधर फैसलाबाद से आमिर इस्लाम पाकिस्तान चैम्पियन हुआ है, वो भी खेलने गया हुआ है। उसके बाद मुकीत है, वो 2 साल पहले का नेशनल चैम्पियन है, टॉपर है पाकिस्तान का। विकास है, वो गया हुआ है। और अवैस जाहिद है, वो गया हुआ है। और आसम है, वो गया हुआ है। एक बच्चा अंडर 17 का पाकिस्तान चैम्पियन है, इसी हॉल में खेलता, अहमद, वो गया हुआ है। और भी बच्चे गए हुए हैं। इसी तरह हुमा बेटी गई हुई है, बुशरा बेटी गई हुई है। ये सारी पाकिस्तान की पहले 16, 14, 12 लड़कियों में है और ये टॉपर गिनी जाती हैं। तो सारे बच्चे गए हुए हैं। तो हमें पता नहीं है, देखिए मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सबसे तकलीफदेह बात है, ठीक है, कि एटलीस्ट इनको एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं, एक नेशनल लेवल तक पहुँचना आसान तो नहीं है। हज़ारों बच्चों में से आप कम्पीट करके आपके अंदर वो सलाहियत होती है कि आप नेशनल के लिए जाते हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनल के लिए जाकर भी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 22 करोड़ में से आप पहले 10 में अगर आए हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं उस लिहाज से जितनी आपको फैसिलिटी है। तो अगर नहीं आपको पता तो ये बात दोनों तरफ से है। मुझे ये पता है कि जो प्लेयर बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, उनके दिल में बहुत गिला शिकवा इस बात पर कि हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, हमें कोई पहचान नहीं है, हमें कोई एनकरेजमेंट है ही नहीं है। तो इसके लिए तो आपने अगर कदम बढ़ाया है तो जोर लगा दें, फिर मैदान में आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ शाना बशाना हैं और इस जोर में आपके साथ बराबर का जोर लगाएंगे और हुकूमत तक और जो इंतज़ामिया है और जो स्पोर्ट्स के निगरान हैं बेसिकली, ठीक है, उन तक ये बात हम पहुंचाएंगे, जितने निगरान हैं उन तक ये बात पहुंचाएंगे कि ये हमारे प्लेयर्स हैं और ये डिज़र्व करते हैं, ये भी अरशद नदीम बनना डिज़र्व करते हैं, ये भी बाबर आजम बनना डिज़र्व करते हैं। अभी पिछले दिनों हमारा फैसलाबाद का इधर का बच्चा है हुजैमा, उसने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लिया है इस्लामाबाद में, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना काम जारी रखें, काम को बढ़ाएं और पूरे जोर से करें और इसके बाद दोबारा भी तशरीफ़ लाएं और बच्चों को इंटरव्यू करें, उनको बैठाएं, उनको पूछें क्या सवाल जवाब है। जी सर, इंशाल्लाह जैसे ही नेशनल टीम यहाँ जो खेलने के लिए गई है ये वापस आती है तो इंशाल्लाह हम एक और प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, सारे प्लेयर्स को बिठाएंगे और उनके गिले शिकवे आप तक पहुँचाएंगे और आपको बताएंगे कि ये फैसलाबाद के वो प्लेयर्स हैं जो नेशनल के लिए भी जाते हैं और इंटरनेशनल भी खेलते हैं, इनको पहचानिए और इनको एक्नॉलेज कीजिए। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको मजीद जो यहाँ पर कोर्ट्स की सूरत हाल है वो भी दिखाते हैं और प्लेयर्स से भी मिलवाते हैं। हमारे साथ गुजरात बाकी स्पोर्ट्स के साथ साथ हम बात करते हैं थोड़ा टेबल टेनिस प्लेयर्स के हवाले से। एंड वी हैव सुपरस्टार ऑफ फैसलाबाद और इनका इंट्रोडक्शन आपसे कराना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन नाम है। हसन, एज आई हर्ड कि आप फैसलाबाद में नंबर 1 आए हैं इस बार। जी जी, वेरी गुड। तो क्या कंपटीशन क्या था और उसमें कहाँ से जो है पार्टिसिपेंट्स थे? काफ़ी टफ कंपटीशन था, सारे आए थे, चिन्योट आया था, टोबा आया था और बड़े वो आए थे, ओपन एज था, ठीक है, तो हमारे लिए भी मुश्किल था खेलना और तो बस फिर अल्लाह की फजल से जीत गए। यू बिकम फर्स्ट? यस। ज़बरदस्त। सो वाई टेबल टेनिस? आई मीन आप देखो को जैसे और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं और बहुत सारे गेम्स हैं जिन पर और ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट होता है एंड वैसे भी आजकल लोग PS खेलना और आपकी एज फेलोज़ जो हैं वो PS खेलना ज़्यादा इजी समझते हैं, PUBGs और दूसरे की गेम्स को ज़्यादा खेलना प्रेफर करते हैं रादर देन किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, ठीक है। सो वाई टेबल टेनिस? मेरा असल में ना मेरे मामू इसके इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सैयद शुजात अली, ठीक है, तो उन्होंने मुझे प्रेफर किया था कि आप टेबल टेनिस खेलें, तो उनसे ट्रेनिंग होती है, सारी उनसे ही होती है। और कब से आप खेल रहे हो? मुझे हो गए 2 साल हो गए हैं। 2 साल प्रॉपर खेलते हैं। आपकी टोटल डेली की रूटीन क्या होती है? आई वांट के जो आपके एज फेलोज हमें देख रहे हैं वो आपसे इंस्पिरेशन लें। मेरी बस यही होती है कि सुबह आ जाते हैं, खेलते हैं मैं ताकि मेहनत करें, शाम को आते हैं, खेलते हैं, बस ये ऐसे ही खेलते हैं। मामू ट्रेनिंग करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं और बाकी फुटवर्क लगवाते हैं थोड़ा सा, बाकी ऐसे ही करते हैं। तो वो ट्रेनिंग आपको मामू यहीं पर दिलवाते हैं? इसी कोर्ट में आप ट्रेनिंग करते हैं, आप कहीं और भी खेलते हैं? नहीं, इधर ही करते हैं, इधर ही। लाहौर भी जाते हैं कभी कभी मैचेस खेलने, बाकी ऐसे ही है। आपकी डेली रूटीन ये है? और आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाते हो, ओके, वेरी गुड ठीक है। कॉलेज जाते हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो, दैट्स रियली कूल। तो पढ़ाई भी करते हो और इधर स्पोर्ट्स में भी आते हो और एकेडमी वगैरह भी पढ़ते हो आप या नहीं? एकेडमी थोड़ी आजकल इशू हो रहा है तो घर में पढ़ते हैं वैसे। वेरी गुड वेरी गुड। सो अपने आप को आप इस गेम में कहाँ देखते हो? अब देखो ना, आप यू आर इन नंबर 1 इन फैसलाबाद राइट नाउ, विच इज़ रियली रियली अप्रिशिएटेड थिंग और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ आपसे। अपने आप को आगे क्या देखते हो? यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर, आप चाहते हो कि आप कल को रीजनल लेवल पे जाओ, नेशनल लेवल पे जाओ, इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, ये गोल है या सिर्फ ये एक गेम है जो आप टाइम पासिंग के लिए करते हो? नहीं नहीं, ये मेरा गोल है, इंशाल्लाह मामू की तरह या उनसे भी बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश है ताकि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूँ आगे, इंशाल्लाह मैचेस आएंगे। कैन यू सी द अपॉर्चुनिटीज़, आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि जो बाकी स्पोर्ट्स के हालात हैं, आपको पता है कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट भी नहीं है जो स्पोर्ट्स सेक्टर है पाकिस्तान का, ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आप कर पाओगे और ज़िंदगी में आने वाले वक्त में जब आप अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर देखते हो तो सपोर्ट आपको आने वाले वक्त में मिलेगी पाकिस्तान से? इंशाल्लाह मिलेगी, जब हुकूमत पहले से काफ़ी अच्छी हो रही है। क्या नाम है, अब थोड़े कैंप लगते हैं, पहले से ज़्यादा लग रहे हैं, टूर्स जा रहे हैं, बाहर के मुल्क जा रहे हैं, थोड़े जो हमारे सीनियर्स हैं ना उनके जा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे आते आते हुकूमत करेगी। HEC हमारा बहुत साथ देती है। मतलब ये इवेंट्स हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे? यस। क्या पैगाम देंगे और क्या मैसेज देंगे आप अपने एज फेलोज़ को जो आपको देख रहे हैं इस टाइम? बस क्या दे सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और वो मोबाइल की छोड़ें। That's really good. Congratulations and best of luck for that. आइए आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, प्लेयर्स के साथ मीटअप का सिलसिला जारी है और आज हम अल्फत स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हैं। बड़ी खुशी की बात है मुझे कि मैं यहाँ पर पहुँच कर मुझे ऐसे प्लेयर्स मिल रहे हैं जिनके बारे में शायद हमें बहुत पहले मालूम होना चाहिए था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा मीडिया, हमारे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अहदेदारान हैं, ना जाने क्यों इन प्लेयर्स को ना प्रमोट करते हैं, ना इनके बारे में बात करते हैं, ना कोई प्रेस रिलीज़ आती है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पाकिस्तान, हमारे फैसलाबाद शहर के लोग नेशनल इंटरनेशनल जाकर खेलते हैं और मेडल्स भी जीत कर आते हैं। हमारे साथ अनम इलियास मौजूद हैं, आप टेबल टेनिस में रिसेंटली ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडलिस्ट हुई हैं नेशनल, और इसके अलावा आप इंडिया में भी जा चुकी है और इंटरनेशनली भी परफॉर्म कर चुकी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? ठीक है, इट्स रियली एन ऑनर कि आप नेशनल विन की हैं, आपने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी विन किया है, आप इंडिया तक भी गई हैं, इंटरनेशनली भी खेलती हैं, हमें नहीं पता आपका, क्या इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे यही रीज़न है कि टेबल टेनिस को ज़्यादा कोई स्पोर्ट नहीं करता, वो ऐसे इंडोर गेम है और सब क्रिकेट के पीछे ही लगे हुए हैं और इधर किसी का ध्यान नहीं है। मैं इंडिया भी गई थी, वहाँ पर भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है टेबल टेनिस के बारे में। Yes. So, यही एक अलमिया है, अब आकर हमें पता चला है। अब चले टेनिस की बात करते हैं तो असामुल हक प्रमोट हुए, पता चला, शोज़ में बैठे तो पता चला असामुल हक हमारे नेशनल चैम्पियन है, इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल चैम्पियन भी हैं। फिर स्नोकर को लेके और फिर जैवलिन को लेके अर्शद नदीम का भी हमें अब पता चला, ओलंपियन हुए, दुनिया में पता चला, और जब उनको प्रमोट किया गया तो पता चला। तो इस मामले में क्या आपको लगता नहीं है कि बाकी तमाम स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स हैं, जो इतनी एफर्ट करते हैं, इतना काम करते हैं, उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या मशवरा देंगी, आप क्या चाहती हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम किया जाए तो जो डिज़र्व करते हैं हमारे नेशनल प्लेयर्स, उनकी रिकग्निशन लोकल लेवल पे लोगों को पता हो? यही कि बाकी गेम्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, सब मतलब ये इंडोर गेम्स को भी गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करें, हमें भी बाहर भेजें और हम बाहर के इवेंट खेल के आएँ, और क्रिकेट की तरफ ही सारे उधर ही जा रहे हैं, इधर भी ध्यान दें तो हम भी नेशनल लेवल तक आ गए, इंटरनेशनल लेवल तक खेल के आएँ। अच्छा, जो आपकी एसोसिएशन है, अब जब आप नेशनल आप खेली हैं, उसके बाद आप इंटरनेशनल गई हैं, आपने मेडल्स भी विन किए हैं, एसोसिएशन की तरफ से कितनी सपोर्ट है आपको और आपकी रिकग्निशन को आगे लाने में और आपको लोगों के सामने लाने में किस कदर रोल आपको लगता है कि एसोसिएशन ने अदा नहीं किया? ये तो सबको अपने पैसों पे जाना पड़ता है, गवर्नमेंट तो कम ही बस करती है स्पोर्ट हमें, और हम ये हमारी हिम्मत होती है कि हम अपने आप पे पैसे लगा के खुद खेलते भी हैं और आगे भी जाते हैं। आपने जो नेशनल खेला, आपने इंटरनेशनल खेला, आप इंडिया भी गई, आप नेशनल जहाँ भी ट्रैवल करती हैं, उसमें एसोसिएशन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है या ज़्यादातर, जैसे आपने अभी कहा, अपनी मदद आपके तहत, तो क्या मैक्सिमम अपनी मदद आप ही तहत जो चलता आ रहा है सिस्टम, उसी सिस्टम पर आप भी अपनी मदद आपके तहत जो है वो एफर्ट कर रही हैं? जी, हम अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं। चलिए मैं सबसे पहले तो थोड़े से अफसोस के साथ कि ये हमारे पाकिस्तान के नामवर प्लेयर्स हैं, रियल हीरोज़ हैं, जिनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए और एसोसिएशन को भी चाहिए कि इनकी रिकग्निशन, इनकी फेस वैल्यू लोगों को पता चले। इनके अगर मैचेस होते हैं, ये इंटरनेशनली खेलते हैं या नेशनल खेलते हैं, तो हमें पता हो। सो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के तवसुक से एटलीस्ट फैसलाबाद में अनम इलियास का नाम लोगों को पता होगा कि ये वो हमारी सुपरस्टार हैं जो टेबल टेनिस में हमारा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए जी आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, वी हैव आवर लिटिल चैम्प गोल्ड मेडलिस्ट वरदान इकबाल, जो कि इंटर स्कूल चैम्पियनशिप अभी जीता है, टूर्नामेंट विन किया है, एंड ही इज़ अ सुपरस्टार ऑफ फैसलाबाद एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एज़ वेल कि हम इसको इंट्रोड्यूस कराएं टुवर्ड्स द नेशन और पाकिस्तान को बताएं कि फैसलाबाद में भी भाई साहब हमारे गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद हैं। वरदान कैसे आप, ठीक हो? यस सर, आई एम फाइन। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा रहा? गोल्ड मेडल जीता एंड अपने ही इस टूर्नामेंट में, इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स में, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज गुड, लास्ट टाइम आई आल्सो वॉन, सो आई was happy to defend my title again and won a title for my school again. Okay, so this time you won the title. Yes sir. That's really good. So tell me, what is the motivation for you? My father. Who? My father. Your father? Father का नाम बताओ. Muhammad Iqbal. So he is the inspiration. Yes sir. Right? So आप उनसे देखकर inspire हुए हो. Yes sir. So what is the goal? Tell me, what is the goal? I mean future कहाँ देखते हो आप? I want to play international. I want to play international. You want to play international? You just want to play international or you want to win international as well? I want to win also. Okay, so wish you very best of luck. It is really nice to meet you and I wish you very best of luck for your international game and I want कि आप international खेलो और जीतो और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराओ. Thank you very much. So here is the Vardan Iqbal, the little champ of Faisalabad, the gold medalist of inter-school championship. So hats off to him. इस वक्त हम मौजूद हैं स्कॉश कोर्ट में और स्कॉश में जैसे कि आपको बताते चलें कि हमारा जो रिसेंट चैम्पियन है दैट इज़ हमजा खान, ठीक है, जो कि स्कॉश में चैम्पियन हुआ और वो बड़ी ही ऑनरेबल बात है पूरे पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ इस टाइम इशफाक खान साहब मौजूद हैं और आप कोच हैं यहाँ पर अल्फत स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, स्पेशली स्कॉश को देखते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी, तो अब ऑन द रिकॉर्ड जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि फैसलाबाद से कितना कितना बड़ा टैलेंट नेशनल इंटरनेशनल खेल खेलने के लिए जाता है एंड नो बडी नोज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, अलहमदिल्ला सर। इशफाक भाई सबसे पहले बताइए कौन कौन से प्यारे बड़े बड़े सितारे इस कोर्ट और इस जगह पर खेलते रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं और वो नेशनल इंटरनेशनल भी खेले हैं एंड हमें पता ही नहीं? हमारे सर यहाँ पे फैसलाबाद में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं मेल और फीमेल में। फीमेल में तो मिसबा रानी का नाम सर फहरस्त है, बहुत अच्छा खेली है। उसके बाद महम है, अनम है और ये हमारी अच्छी अच्छी प्लेयर्स हैं जो आगे जा रही हैं। और हमारे बॉयज़ में इस तरह से अली खान है, समात खान है, ठीक है, और हमारे जो कोच मिश्रा नेशनल और इंटरनेशनल खेले हैं। हाँ जी, नेशनल खेले हैं जी बिल्कुल। और इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान टॉप में हमदा खान मेरा भतीजा है, कराची से बिलोंग करता है। अभी मैंने जिनका जिक्र किया है। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास यहाँ पे कोर्स जो है ना वो इस तरह के अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये भी हम जैसे कहते हैं टूटे बजे कोर्टों में हम लोग खेल रहे हैं और यहीं से हम लोग नर्सरी को निकाल रहे हैं और लाहौर नेशनल के लिए भेज रहे हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आता है। और अभी हाल ही में हमारा एक बच्चा है एहसन, वो ब्रिटिश ओपन के जो ट्रायल थे उनमें से पाकिस्तान टॉप 8 में आया है और बहुत अच्छा है। बस ये देखिए हमारे पास कोई सहूलता नहीं, वसाइल की कमी है जी बहुत। अच्छा मुझे बताएं इशफाक भाई, ये वसाइल की कमी आपको कब से ज़्यादा महसूस होना शुरू हुई है? मैं दीवारों की हालत देख सकता हूँ, मैं सामने वाली दीवार जिस पर प्रैक्टिस होती है उसकी हालत देख सकता हूँ, मैं फ्लोर की हालत भी देख सकता हूँ, बुरे हालात हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हालात कब से ज़्यादा बदतर हुए हैं, किस सन की बात करेंगे आप, कौन सा रेफरेंस देंगे कि तब से दोबारा इसकी तरफ किसी ने नहीं देखा? सर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे नूर अमीन मंगल साहब ने हमारे लिए 2 स्कॉश कोर्ट बनाए हैं बहुत अच्छे, और जो कि 2015 से लेके अभी तक स्टिल वो पेंडिंग में ही है। 99% काम हो चुका है, बस ये कि तकरीबन जो 1% काम है वो कुछ ठेकेदारों की मजबूरी की वजह से ये अभी चल रहा है। तो हम कहते पता चला है कि फ़ंड वगैरह आ गए हैं, इंशाल्लाह वो भी उनको मिल जाएंगे, उससे फिर वो बच्चे जो है ना उनकी अकेडमी बन जाएगी, मॉर्निंग टाइम स्टार्ट करेंगे और इवनिंग तक जो ना हम लोग बच्चों को खिलाते रहेंगे, ठीक है। अच्छा फैसिलिटेशंस की बात करते हैं और अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, एसोसिएशन की भी बात करते हैं। इसके अंदर एसोसिएशन किस हद तक सपोर्टिव है? देखें मैं आई कैन सी यंगस्टर्स हैं, आई कैन सी मेल फीमेल प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, यंगस्टर्स हैं, न्यू जनरेशन है, ऑफ कोर्स ये वो ही हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के बड़े स्टार्स बनेंगे। इनके लिए आगे आने वाले मौक़ों में एसोसिएशन का किरदार कितना अहम है? सर बात ये है कि एसोसिएशन हमारी बिल्कुल बेकार है, ठीक है। राना नमदस्तगीर साहब हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, उनसे थोड़ा बहुत ही उम्मीद है कि वो हमारे साथ इन टच है, ठीक है ना। बाकी ना हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, नीचे कुछ है, जो भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। मैंने बच्चों को इकट्ठा करना है, मैंने बच्चों को इनको यहाँ पर मेम्बरशिप लेके देनी है और इनको तैयार करना फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इनके साथ पैसे शैसे वो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और बच्चे हैं हमारे पास, टैलेंट बहुत है। अगर ये मुझे थोड़ी सी वो दें ना, सहूलतें दें, तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ब्रिटिश ओपन हमारे बच्चे यहाँ से फैसलाबाद से जीत सकते हैं। मेरे में इतना है और टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इंटरेस्ट बच्चों में है, फैसलाबाद के लोगों में, बच्चों में, न्यू जनरेशन में। स्क्वाश एक डिफ़िकल्ट गेम है, बहुत एनर्जेटिक गेम है, बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है। तो ये टैलेंट आपको मिलता है और है, ये हमारी फैसलाबाद की ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है जी। हमारे मिडिल क्लास कराने के बच्चे जो हैं, हम उनसे वहाँ से लें बच्चे, जैसे गट्टी स्कूल है और बहुत सारे स्कूल हैं, ठीक है ना। उनसे अगर हम लोग ट्रायल बेस पे लेंगे, हमको लिख दें उनको, ठीक है ना, बैनर के ऊपर कि ये बच्चे हैं, अपना सपोर्ट का ट्रायल दें और हम लोग लिखते हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे मैचेज़ यहाँ बहुत कम होते हैं और मैं अपने बलबोते के ऊपर बच्चों के मैचेस करवाता हूँ। कोई ट्रॉफी ले ली, थोड़े बहुत अगर वसाइल यहाँ पर हो जाएँ, दीवारों पे फ्लोर सेट हो जाए, दीवारें सेट हो जाएँ, कोई सिटिंग का माहौल हो जाए, थोड़ा यहाँ पर जो बहुत कंजस्टिव है फील आता है, ठीक है, थोड़ा वो ज़रा सेट हो जाए चीज़ें, तो टूर्नामेंट्स तो यहाँ पर होने चाहिए। एब्सोल्युटली सर, देखिए आप तो देख रहे हैं ना कि किसी आप खड़े हैं, खुद भी आपको पसीने आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, बहुत बुरे हालत है और बुरे हालात हो। इस बुरे हालात में भी मैं बच्चों को तैयार करता हूँ। हमारे बच्चे वहाँ पे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची नेशनल खेलने के लिए जाते हैं और वहाँ से जीत के लाते हैं। इतने पैशनेट हैं कि इस कदर, इस किस्म के माहौल में भी वो खुशी से खेलते हैं सर। और जो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब हमारे बोर्ड देख लें टूटे हुए हैं, हमारे फ्लोर देख लें नीचे तो ख़राब हैं, ठीक है ना। और जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा मसला है, ठीक है। और बस अच्छा, इस दीवार पे जाहिर है दीवार ख़राब है, तो जो शटल आप यूज़ करते हैं वो तो ऑलरेडी बड़ी कॉस्टली होती है, ठीक है। जो बॉल है बेसिकली, बॉल कॉस्टली होती है, तो अगर ख़राब दीवार पे वो बार बार हिट होती है तो बॉल तो जल्दी डैमेज हो जाती होगी। जी बिल्कुल, अब तो 800 रुपये का बॉल हो गया, ठीक है ना, वो भी बड़ा अफोर्डेबल नहीं है। रैकेट जो अगर हम लेने चाहें वो तकरीबन ये कि 10,000 से अबाव शुरू होते हैं, ठीक है ना। बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हम इन बच्चों की सपोर्ट नहीं करेंगे, हम प्लेयर कैसे लेंगे, ठीक है। हमारी फेडरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जैसे अब हमारे न्यू हमने बनाए प्रेसिडेंट अपना फहाद साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, काशिफ साहब हैं और सेक्रेटरी जो है हमारे सुवंत खान साहब हैं, लेकिन इनसे हमने बड़ी उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह हमारे लिए कर रहे हैं स्ट्रगल। क्या फीडबैक देते हैं वो, मतलब कहते हैं कि हाँ निगोशिएशन हो रही है, बात हो रही है, कुछ बेहतरी की उम्मीद है? जी बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। लाहौर से तकरीबन ये कि फाज साहब 2-3 दफ़ा तो हमें रैकेट ला के दे रही है, क्योंकि जो बच्चों को गरीब होते हैं बच्चे, उनको हम रैकेट दे रहे हैं खेलने के लिए, वो प्रैक्टिस करें जी, उससे वो प्रैक्टिस करते हैं और है भी बहुत भारी, बिल्कुल कॉस्टली रैकेट है, ठीक है ना। उसके बावजूद बच्चे मेरे पास यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी जोश के साथ और इसी पैशन के साथ मेहनत करते रहें, स्टूडेंट्स को तैयार करते रहें, प्लेयर्स को तैयार करते रहें और आपके नाम से आपके तैयार किए हुए प्लेयर्स जाएँ, नेशनल खेलने, रीजनल खेलें, नेशनल खेलें, इंटरनेशनल खेलें और यूं ही हमारे फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करते रहें पूरी दुनिया में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए जी आगे बढ़ते हैं और कुछ प्लेयर्स, मैं चाहूँगा कि हम कुछ प्लेयर्स से भी बात करें और उनका जो एक पैशन है, उनकी जो गेम है, उस वाले से बात करें मेरे साथ। ये हमारे फैसलाबाद के माशाल्लाह से अपकमिंग स्टार्स हैं जो स्कॉश गेम खेलते हैं। इनसे मैं एक 1 बाय 1 सबका तारुफ करवाऊंगा आपसे और फिर मैं इनसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस गेम को इन्होंने क्यों चुना है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। जहांगीर खान को तो हम सलूट करते हैं, जो लेजेंड्स हैं इस गेम के, ठीक है ठीक है। अब हम हमज़ा खान की बात करते हैं, तो वो भी एक न्यू चैम्पियन हमें मिला है पाकिस्तान का। सो क्या ये इंस्पिरेशन है या इनकी थॉट या माइंडसेट कुछ और है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहसन अख्तर। अहसन, अभी गेम में आप अभी सिर्फ प्रैक्टिस करते हो या कुछ टूर्नामेंट भी खेलें? प्रैक्टिस अभी नेशनल शुरू की हैं, काफ़ी 4-5 खेल लिए नेशनल जूनियर्स में। आप नेशनल जूनियर्स खेले हैं? वेरी गुड। रेगुलर खेल रहा हूँ, अभी दोबारा 18 अक्टूबर को आ रहा है कराची में जूनियर नेशनल, ठीक है। तो आप सेल्फ प्रमोशन करते हो, अपने इंस्टाग्राम पर चीज़ें अपलोड करते हो, बताते हो लोगों को भाई आई एम द स्कॉश चैम्पियन, गोइंग टू बी द चैम्पियन इंशाल्लाह, बट आई एम अ स्कॉश प्लेयर और सपोर्ट करो भाई मुझे। नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा, ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो आप? सही। क्या नाम है आपका? जैद। जैद, आप भी स्कॉश प्रैक्टिस करते हो? यस। व्हाई? मैं ना मोटा बहुत हो गया था तो अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके फाइन। तो ये हेल्थ इशू है बेसिकली, तो इसलिए फिर। अच्छा, आपको स्कॉश रिकमेंडेशन किसने की? बाबा ने कहा कि ये स्कॉश खेलो, इससे आपका वेट रिड्यूज़ होगा। तो अभी तो आप छोटे से हो, अभी तो आपने बड़े भी होना है, तो फिर तो हेल्थ में भी फ़र्क आ जाएगा, लेकिन गेम खेलने का एक मोटिव, मकसद तो होना चाहिए ना। तो चलो बाबा ने रिकमेंड किया, आप यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर जब आप खेलते हो तो क्या मन क्या करता है, फील क्या आता है? फील तो ये आता है कि चैम्पियन बनूँ, कि ये गेम को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करूँ और आप रिप्रेजेंट करो, ठीक है कि भाई फैसलाबाद का है ये बॉय, फैसलाबाद पाकिस्तान का है जो चैम्पियन हुआ है, ठीक है। सो ये पैशन है, कंटिन्यू करोगे इसको। और जो आपके एज फेलोज जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम दोगे कि क्या वो उनको मोबाइल्स और गैजेट्स और नेटफ्लिक्स और मूवीज़ और पबजी और ये इनमें ज़्यादा टाइम सर्व करना चाहिए, या दे शुड कम इन द गेमिंग कोर्ट और यहाँ पर आकर उनको फिजिकल गेम्स खेलनी चाहिए? मोबाइल, पहली बात तो मोबाइल कुछ नहीं देता आपको, और आप आओ फिजिकल खेलो तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और आपको मज़ा भी आएगा सबके साथ, और आप फिट भी रहोगे। सो आपको मैं अब आने वाले 6 मंथ्स में फिट देखूंगा, प्रॉमिस। वेरी गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप नाम बताएं सबसे पहले। सीरत इमाद। अच्छा, और आप पढ़ाई करते हो जी, और ये स्क्वाश की प्रैक्टिस करते कितना टाइम हो गया? मुझे तो अभी आई थिंक 2 वीक्स हुए हैं। 2 वीक्स हुए हैं जी। सो ये एक शौक़ था आपका कि आप स्क्वाश ही खेलोगे, या फैमिली की तरफ से रिकमेंडेशन था, या आप वैसे ही स्क्वाश आपको पसंद थी ये गेम और आप चाहते थे कि आप स्क्वाश गेम में आओ और इसको रेगुलर बेसिस पे खेलो? दरअसल मुझे बैडमिंटन का था, लेकिन वो थोड़ी सी आसान है और तरह के, ये इसमें ज़रा इंटरेस्टिंग है थोड़ी सी, इसमें पैशनेट होना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा लगती है और बहुत एनर्जी बहुत लगती है, एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, इसलिए ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है। बाकियों को भी मैं यही कहूँगी कि सब ज्वाइन करें अपनी हेल्थ के लिए, ये सब फ़ोन वगैरह इनको छोड़ के थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ को दें, और काफ़ी अच्छी गेम है। अच्छा, मुझे ये बताएँ स्क्वाश आप इसका जो फ्यूचर है वो क्या देखते हो? देखो यहाँ से प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं, नेशनल के लिए जा रहे हैं, दैट्स रियली गुड। आप अगर स्क्वाश खेलती हो तो आप क्या सोच कर स्क्वाश खेलती हो कि आप भी चाहती हो कि आप रिप्रेजेंट करो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में, अपने सिटी को रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या सिर्फ ये सिर्फ एज अ स्पोर्ट आप एक टाइम पासिंग एक्टिविटी आपकी? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इंटरनेशनल लेवल तक जाऊँ, मैं अपने पाकिस्तान को, अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करूँ, और दूसरे लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि वो स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। क्या नाम है आपका? अस्मा सलीम। अस्मा, आप भी प्रैक्टिस करती हो स्क्वाश की? जी सर। कितने अरसे से कर रही हो? 3 या 4 मंथ। अच्छा, आप भी 3-4 मंथ से कर रही हो, तो वाई स्क्वाश फॉर यू? ये सवाल मेरा आपसे भी है। फैमिली में कोई खेलता है, या रिकमेंडेशन थी, या आपको शौक था? मुझे इंटरेस्ट भी था और टीचर्स ने गाइड किया था यूनिवर्सिटी से, तो फिर ट्रायल वगैरह दिए थे, इंटरेस्ट हो गया इसमें। स्पोर्ट्स पसंद है आपको, फिजिकल गेम्स पसंद है जी। वाई? मतलब आजकल के दौर में तो डिजिटल और सोशल मीडिया का ज़माना है, टिकटॉक ही नहीं जान छोड़ता, ठीक है, और जो इंस्टाग्राम रील्स हैं वही नहीं आपको कहीं और कुछ करने देती, तो इस आज के माहौल में भी आप वो सारा कुछ छोड़ के एक फ़िज़िकल गेम खेल रहे हो, एक स्पोर्ट खेल रहे हो, क्यों? क्योंकि इससे तो एक हेल्थ सही रहती है, और ऊपर से फिर टाइम वगैरह मैंने सही हो जाता है, सोशल मीडिया जितना यूज़ करेंगे उतना ही फजूल है। और उसके अलावा ये मैंने अपनी FA क्लास में मतलब किया था, इंटरेस्ट था तो फिर करने लगी। ठीक है, आप रिकमेंड करोगे बाकी लोगों को भी जो देख रहे हैं कि भाई सब कुछ छोड़ो, घर में बैठना छोड़ो और अरीनाज में आओ, कोर्ट्स में आओ और फिजिकल गेम्स खेलो? जी, इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने अरसे से खेल, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम मज़िया अरूज। कितने अरसे से आप स्क्वाश गेम खेल रहे हो? मैं वैसे तो बचपन से ही खेल रही हूँ, क्योंकि पापा कोच हैं और वो प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल ही हमारा ये है, तो फिर इसलिए मैं खेल रही हूँ, लेकिन 3-4 मंथ से मैं रेगुलर आ रही हूँ। ठीक है, तो गोल क्या है? मतलब सिर्फ ये एक एज अ प्रैक्टिस, बाबा भी खेलते थे, मैं भी खेल रही हूँ, शौक है, तो बस इस कोर्ट की हद तक रहना है या आगे भी जाना है? नहीं, आगे भी जाना है इंशाल्लाह। अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरा इसी वजह से हुआ है, स्पोर्ट्स स्पेस, तो आगे भी इंशाल्लाह जाने का इरादा है। ठीक है, गोल तो यही है ना कि नेशनल जाना है और फिर इंटरनेशनल जाना है, तो उसके लिए आपको पता है फिर आपको अपनी मैम मारनी पड़ती है, एक्सरसाइज का टाइम बहुत ज़्यादा है, आप सोशल मीडिया कम करते हो, आपकी डाइट बड़ी कंट्रोल होती है, फिर आपको और भी एक्सरसाइजेज करनी होती हैं, अगर आप रनिंग आ जाती है, जॉगिंग आ जाती है, ये सब कुछ होता है अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए, क्योंकि एक तो ये कोर्ट छोटा है, इसमें मेहनत बहुत लगती है, और इतनी भाग दौड़ में जब तक आपके अंदर स्टेमिना नहीं होगा आप अपना ये गेम नहीं खेल सकते। ठीक है, तो ये सब करते हो आप? बिल्कुल करती हूँ, मैं वैसे भी फिजिकल फिटनेस के लिए कर रही हूँ, मेरी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने फिजिकल फिटनेस के लिए भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि स्टार्ट करें, तो इसलिए मैंने ये फिजिकल फिटनेस के लिए स्टार्ट की है, और साथ साथ मुझे यूनिवर्सिटी का भी फायदा दे रहा है कि मैं स्पोर्ट्स स्पेस इसी के साथ चली जाऊँगी। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हो तो वो तो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होता है। अच्छा, आप बीइंग अ गर्ल क्या पैगाम दोगे आप, क्योंकि अब आप देख रहे हो जैसे अभी मैंने बात की है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो I mean they are so much into social media and digital network and all that. क्या पैगाम दोगे? मैं ये पैगाम दूंगी कि आना चाहिए फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए। इस चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, इससे इंसान एक तो एक्टिव रहता है, ऊपर से फ़िट रहता है। तो आजकल की जो नौजवान ये मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा इन हुई हुई हैं, बहुत ज़्यादा टिकटॉक इंस्टाग्राम ये यूज़ कर रही हैं। आप नहीं करते हो? मैं तो कम करते हो? कम इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, बट फ़िज़िकल फ़िटनेस में लाइक इन चीज़ों में बहुत इन हूँ। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, इस टाइम हम जो एक ऐसा कोर्ट जो कि 2015 में बाकायदा तैयार किया गया स्कॉश के लिए और इसकी इनॉग्रेशन की गई, उस दौर में जहाँ नूर अमीन मंगल साहब थे जो DCO फैसलाबाद थे, बदस्ते मुबारक वो खुद आए और इसकी ओपनिंग की, इनॉग्रेट किया। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक ये बंद है। क्यों बंद है भाई? क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं, आप कोच हैं, आपने बाकी भी हमें हमारी रहनुमाई की है और ये भी इन्होंने ही बताया मुझे और हमें नहीं पता था, तो मैं चाहता हूँ कि ये तफसील हम इनसे जानें। सर, ये नूर अमीन मंगल साहब ने बनवाया था, तो ये 5 दिसंबर 2015 से, तो उसके बाद ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, 99% इसका काम हो चुका हुआ है, बस 1% काम जो है वो ठेकेदारों की गफलत की वजह से या कुछ उनकी पेमेंट की वजह से, को फंड की वजह से इनकी अभी तक बंद पड़ा हुआ है। अगर ये आज आबाद होता तो हम लोग यहाँ पे जो पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर है ना, सब यहाँ पे खेल रहे होते। अच्छा, 2015 से लेकर अब तक 9 साल हो चले तकरीबन, 9 ईयर्स, और इन 9 सालों में क्या कभी किसी ने इस पर बात नहीं की या आपने फेडरेशन के साथ, एसोसिएशन के साथ मिलकर इस मुद्दे पर बात नहीं की कि कम अज़ कम इसको भाई तैयार किया तो खोले तो सही, प्लेयर्स एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करें यहाँ पे? सर, बहुत दफ़ा किया है हमने, बहुत दफ़ा एहतजाज भी किया है मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि अब इसकी सुनवाई हो जाए, तो हम चाहते हैं कि बच्चे आके यहाँ पे खेलें। मिडिल क्लास गाने के बच्चे बहुत अच्छे खेलने वाले हैं, जो कि चनाब क्लब नहीं घुस सकते, मनोरा क्लब नहीं घुस सकते, सरीना में नहीं जा सकते, वो यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट तो खेलेंगे ना। ठीक है, हमारे कॉम्प्लेक्स के बच्चे जो है ना, वो भी पे करके खेलते हैं यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस अकेडमी का हमें फ़ायदा। नूर अमीन मंगल साहब ने हमारे साथ बहुत बड़ी नेकी की है। ठीक है, तो वो बेचारे यहाँ पर नहीं, अगर वो होते तो आज ये स्टार्ट होता। तो इसी का मुझे बड़ा दुख है कि इसको जंग लग रहा है। ठीक है, जंग ना लगे, बच्चे यहाँ पे अपनी गेम करें और गेम खेल के साथ साथ ना ये अपने अच्छा पेपर और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की हमारे अल्फत स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में तमाम गेम्स और ये जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं जिनकी कोई रिकग्निशन नहीं है, नो वन नोज़ के भाई फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, भाई नेशनल खेलने जा रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं और इनमें चैंपियंस भी हैं। ठीक है, और हमने आपसे मुलाकात भी कराई कुछ प्लेयर्स से जो नेशनल भी जीते हैं, जो इंटरनेशनल भी खेले हैं, लेकिन नो वन नोज़। सो हमारे इस प्रोग्राम बनाम सरकार के तवासुत से आई जस्ट वांट कि हम इनको रेकग्निशन दें, ये जो डिज़र्व करते हैं इनको वो मिले, और जो सहूलियात हैं इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से रिलेटेड मैं हुकाम बाला से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको सहूलियात दी जाएँ। और ये जो स्कॉश ये जो स्पेशल बिल्डिंग तैयार की गई है, ये जो स्कॉश कोर्ट 2015 में जिसको तैयार करके इसकी इनॉग्रेशन कर दी गई, लेकिन इसको लड़कों के लिए और प्लेयर्स के लिए खुला नहीं गया। सो DCO साहब से और कमिश्नर साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पर थोड़ी तवज्जो दें, देखें क्या मसला है और इस मसले को हल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। राना बाबी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।